अस्सलाम वालेकुम टू ऑफ यू, वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फेडरिको गार्सिया लोरका का सेकंड प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्लड वेडिंग। तो हम प्ले स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेडिंग एक ट्रेजेडी प्ले है जो कि एक स्पेनिश ड्रामेटिस्ट फेडरिको गार्सिया लोरका ने स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा है। ये 1932 में लिखा गया था और थिएटर क्रिटिक्स जो है ना, इस प्ले को भी यर्मा एंड द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा के साथ ग्रुप करते हैं और इसको एज अ रूरल ट्रिलॉजी का नाम देते हैं। ये जो प्ले ओपन होता है तो सबसे पहला जो करेक्टर है जो रिवील होता है वो मदर का करेक्टर है, जो अपने बेटे से बात कर रही है। और बेटा जो है वो ग्रूम है, ग्रूम का नाम मेंशन नहीं है, सिंपल उसे प्ले के अंदर ग्रूम के साथ ही प्रोनाउंस किया जाएगा। और एक्ट वन में मदर ग्रूम को ये बताती है कि काफ़ी साल पहले उसके फादर और उसके जो भाई हैं वो फ्लिक्स फैमिली के हाथों मारे गए थे और उनका नाइफ के साथ कत्ल किया गया था। तो ये प्ले भी तीन एक्ट्स पर मुश्तमिल है। और जब प्ले ओपन होता है तो सबसे पहला जो करेक्टर है वो रिवील होता है, वो माँ का करेक्टर होता है जो कि अपने बेटे से बातें कर रही होती है। ग्रूम इसके अंदर एज अ प्रोटोगोनिस्ट या हीरो बताया गया है और ग्रूम के साथ ब्राइड भी है। इनके नाम मेंशन नहीं किए गए प्ले के अंदर, लेकिन एज अ ग्रूम के तौर पे हम इनको प्रोनाउंस करेंगे। तो जब ग्रूम जो है वो वैनियार में ऑलिव्स को कट करने के लिए नाइफ मांगता है तो उसकी माँ परेशान हो जाती है नाइफ को देख के। अब नाइफ को देख के उसकी माँ क्यों परेशान हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल माँ अपने बेटे को बताती है, यानी ग्रूम को बताती है कि काफ़ी साल पहले फ्लिक्स फैमिली के हाथों उसका भाई और उसका फादर जो है वो मारा गया था नाइफ के हाथों। और जब भी वो नाइफ देखती है तो वो डर जाती है। ये बात सुन के ग्रूम जो है ना अपनी माँ को चीयर अप करता है और साथ ही अपनी माँ को ये बताता है कि वो अब शादी करने वाला है एक लड़की के साथ, और वो लड़की ब्राइड है और ब्राइड का नाम नहीं है मेंशन इस प्ले के अंदर। ये बात सुन के माँ खुश हो जाती है और फिर वहाँ से ग्रूम चला जाता है। इसके बाद इतने में फिर एक नेबर की एंट्री होती है और नेबर जो है मदर के घर आती है और बातों बातों में वो ब्राइड के बारे में ग्रूम की माँ के साथ बात करती है और ये कहती है कि ब्राइड का जो है वो एक रिलेशनशिप था पहले लियोनार्डो फ्लिक्स के साथ। अब ये नेक्स्ट करेक्टर रिवील हुआ है, ग्रूम मदर के बाद लियोनार्डो का करेक्टर। और लियोनार्डो फ्लिक्स जो है वो बचपन से ही ब्राइड की और लियोनार्डो फ्लिक्स की आपस में इंगेजमेंट हो गई थी जब ब्राइड 15 ईयर ओल्ड थी। लेकिन इसके साथ साथ उसकी माँ को ये भी पता लगता है कि लियोनार्डो फ्लिक्स उनका रिलेटिव है जिनके हाथों ग्रूम के भाई और उसके फादर की का मर्डर हुआ था। तो मदर जो है ना वो ऑलरेडी फ्लिक्स फैमिली से नफरत करती है और उनको पसंद नहीं करती है, लेकिन अब फ्लिक्स फैमिली के साथ जो है ना उनकी रिश्तेदारी होने वाली होती है। लेकिन वो गुस्सा तो होती है, लेकिन वो सबसे पहले ये सोचती है कि कोई कदम उठाने से पहले मैं उनके घर जाके देख लूँ कि कैसा माहौल है। और अगर हम ब्राइड और रिनाल्डो फ्लिक्स के रिलेशनशिप की बात करें तो ये पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इनका सच्चा रिलेशन था, ट्रू लव था, लेकिन कुछ फैमिली क्लैशेस की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और इसके बाद लियोनार्डो ने अपने कज़न के साथ शादी कर ली। लियोनार्डो जो कि अब मैरिड है और काम वगैरह करके वो जॉब से वापस आया है और घर आके वो क्या देखता है कि उसकी सास और उसकी जो बीवी है उसके बेटे के साथ मिलके कुछ सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ लिरिक्स सिंग कर रहे हैं। और अगर हम डीपली इसका मीनिंग समझें तो ये जो लिरिक्स हैं ये ट्रेजेडीज़ को शो कर रहे हैं, ट्रेजेडी जो कि बाद में प्ले में हमें नज़र आएगी। और ये लिरिक्स से हमें ये बात क्लियर पता लगती है कि लियोनार्डो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इतने में एक छोटी सी लड़की घर के अंदर एंटर होती है और वो फैमिली को बताती है कि ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। जब ये बात सुनता है लियोनार्डो तो वो तेश में आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और दूसरी तरफ ग्रूम की मदर और ग्रूम
ब्राइड के घर में जाते हैं विजिट करने के लिए, और वहाँ पे वो ब्राइड के सर्वेंट के साथ मिलते हैं, और इसके अलावा वो ब्राइड के फादर के साथ मिलते हैं। और ब्राइड का जो फादर है वो ग्रूम की मदर को अपनी डेड वाइफ के बारे में बताता है, और इसके अलावा अपनी डिज़ायर भी शो करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की भी शादी हो और उसके भी छोटे छोटे बच्चे हों। इसके बाद ब्राइड की एंट्री होती है, और ब्राइड जो है वो ग्रूम के साथ और उसकी मदर के साथ बात करती हैं, और ब्राइड की जो सर्वेंट है वो ब्राइड को टीज करती है गिफ्ट के हवाले से जो कि ग्रूम ब्राइड के लिए लेके आया था, और इसके साथ साथ कि लियोनार्डो रात को आया था और वो रात के टाइम ब्राइड की विंडो को देख रहा था। इसके साथ ही एक्ट वन ख़त्म होता है और एक्ट टू स्टार्ट होता है। एक्ट टू जो है वो मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट होता है, और लियोनार्डो दोबारा से ब्राइड को देखने के लिए आया है, और फिर वो ब्राइड को ये बताता है कि वो अभी भी ब्राइड को प्यार करता है, सच्चा लव करता है। और ये बात सुन के ब्राइड तेज में आ जाती है, परेशान हो जाती है, और उसको बड़ी डिस्टर्बनेस फील होती है उसकी प्रेजेंस से, और वो उसको जाने का कहती है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि वो अभी भी लियोनार्डो को पसंद करती है, प्यार करती है। इसके बाद सर्वेंट लियोनार्डो को भेज देता है, और गेस्ट के आने का टाइम हो जाता है। द फादर, द मदर एंड द ग्रूम ये वेडिंग पार्टी में आए हुए हैं, और वेडिंग पार्टी जो है वो चर्च में होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से सारे गेस्ट, फैमिलीज मेंबर, इसके अलावा न्यू कपल जो है वो ब्राइड के घर में आए हुए हैं, और पार्टी जो है वो हो रही है, म्यूज़िक बज रहा है, डांस हो रहा है। लेकिन इसके बीच ब्राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा है, सैड है, और वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहाना लगा के रूम में चली जाती है, और ये कहती है कि वो थकावट महसूस कर रही है। ब्राइड अभी भी लियोनार्डो को प्यार करती है, उसके लिए फील करती है, लेकिन अब उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। जबकि ग्रूम जो है वो वेल सेटल है, रिच है, और वो ब्राइड को खुश रखेगा, इस वजह से भी ब्राइड जो है वो ग्रूम के साथ शादी कर रही है। तो अब ब्राइड की ग्रूम के साथ शादी हो जाती है, दोनों इकट्ठे खड़े हैं, फंक्शन इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ब्राइड जो है वो फंक्शन बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रही है, वो सैड है और वो सेटिस्फाई नहीं है। तो वो सबको ये बहाना लगा के वहाँ से चली जाती है कि उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, वो रेस्ट करना चाहती है। तो इसके बाद ब्राइड जो है वो किसी को नज़र नहीं आती है। जबकि दूसरी तरफ लियोनार्डो की बीवी जो है लियोनार्डो को ढूंढ रही होती है शादी में, वेडिंग में, लेकिन लियोनार्डो भी कहीं पे उसको नज़र नहीं आ रहा होता है। तो लियोनार्डो की वाइफ सबको कहती है कि यहाँ पे लियोनार्डो भी नहीं है, तो सबको ये शक होता है कि दोनों इकट्ठे भाग गए हैं। तो सब लोग जो हैं वो ब्राइड को और लियोनार्डो को ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर फिर सेकेंड एक्ट ख़त्म होता है और थर्ड वाला एक्ट स्टार्ट होता है। थ्री वाले एक्ट में फॉरेस्ट का मंजर दिखाया गया है, यानी कि जंगल दिखाया गया है जहाँ पे लियोनार्डो और ब्राइड भाग के वहाँ पे छुप गए हैं। इस जंगल में थ्री वुड कटर दिखाए गए हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, और ये लियोनार्डो और ब्राइड के हवाले से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि किस तरह से वो शादी की रात भाग गए हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि वो पकड़े जाएं, बिकॉज मूनलाइट की मदद से वो इजीली लोगों को नज़र आ जाएंगे और वो फिर पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे मून को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, और मून को एज अ यंग वुड कटर दिखाया गया है विद वाइट फेस के साथ, यानी कि इसकी मदद से लियोनार्डो और ब्राइड जो है वो रिवील होंगे लोगों को। इस प्ले में मून को एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, यानी एक नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन जो है वो बयान किया गया है, और वो एक लिरिक सिंग करता है लोनली, और वो ये कहता है कि मैं अकेला हूँ तो मैं इन दोनों को भी जो है वो इकट्ठे नहीं रहने दूँगा। इसके अलावा वो अपनी रोशनी इन दो करेक्टर्स पे, लियोनार्डो पे और ब्राइड पे डालेगा, और ये दोनों पकड़े जाएंगे। इसके अलावा लियोनार्डो को और ब्राइड को पकड़वाने में मून के अलावा एक ओल्ड वुमेन का किरदार है जो एक ओल्ड बैगर है, और ये भी इन दोनों को इकट्ठा नहीं रहना देना चाहती। तो जंगल में जब ग्रूम जो है अपनी ब्राइड को ढूंढने के लिए आता है,
तो ये जो बेगर वुमेन है ये उनको रास्ता बताती है कि कहाँ पे लियोनार्डो और ब्राइड जो है वो छुपे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्राइड जो है वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो लियोनार्डो को कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे सुसाइड करने दो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो इस तरह से एक्ट 3 सीन 2 के अंदर फिर बेगर वुमेन जो है वो आके बताती है सबको कि लियोनार्डो और ग्रूम की आपस में लड़ाई हो गई है और इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है और मारा इन दोनों ने नाइफ़ के साथ है और ये वही नाइफ़ था जिससे ग्रूम की जो मदर थी वो डरती थी और आज इसी नाइफ से उसके बेटे का कत्ल हो गया था जो कि लियोनार्डो ने किया था। इस तरह फिर एक और फिलिक्स ने उनके घर का चिराग तो इसने पता बताया था। यहाँ पे वो जो बैगर की और है वो सिविलाइज करती है, फाइट हो गई थी और इस फाइटिंग में उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। इस तरह से फिर ग्रूम की माँ को जो डर था वही सच हुआ। दूसरी तरफ ब्राइड जो है वो उसी के घर आती है, यानी ग्रूम के घर आती है और वो जो है ग्रूम की मदर के साथ जो है वो अफसोस करती है और उसके दुख में रोना चाहती है, लेकिन उसको ब्राइड ग्रूम की माँ के गुस्से का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से ब्राइड जो है वो ब्राइड ग्रूम की माँ को कहती है कि उसको भी बहुत एहसास है और अपनी गलती का भी एहसास है और वो जो है वो ब्राइड ग्रूम के दुख में जो है वो भी मौन करना चाहती है। तो इस तरह से ब्राइड ग्रूम की मदर जो है वो उसको मौन करने की इजाज़त तो देती है लेकिन उसको अपने घर के अंदर एंटर होने नहीं देती है और वो जो है वो डोर के बाहर ही खड़े रहती है। और इस तरह से ब्लर वेडिंग जो है एक ट्रेजिक स्टोरी जो कि फेडरिको गार्सिया लोरका ने लिखी है उसका अहतमाम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।